नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति। एक बार इसको प्रारंभ किया था, दूसरे अध्याय तक पहुंचे थे, दूसरी बार इसको प्रारंभ किया है। कल हमने 175 तक श्लोक देखे, देखते हैं आगे। यहां पे ब्रह्मचारी के गुणधर्म चल रहे हैं कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए। अगर आपको श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना है, सामान्य शिक्षा तो माता से जन्म के बाद व्यक्ति ले लिया करता है, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षण के लिए उसको गुरुकुल में जाना पड़ता है। तो गुरुकुल की कुछ नियम है, अगर आप उन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं तो ही आपको आगे दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के रूप में मिलेगा, या शिक्षा के रूप में आपका दूसरा जन्म तभी होगा, आज की भाषा में कहें तो। अभी इस ब्रह्मचारी को क्या क्या करना चाहिए उसकी चर्चा कर रहे हैं कि नित्यम स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम् देवताभ्यर्चनम् चैव समिदाधानमेव च। भाई, नित्य प्रति स्नान करना, पवित्र होना। देखिए, अगर आपका शरीर पवित्र है तो उसके अंदर मन भी पवित्र होता है। थोड़ा ऐसा तो है, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसे अगर आपके शारीरिक शुद्धि ही नहीं होगी ना, तो मानसिक शुद्धि भी संभव नहीं है। इसलिए बड़ा जरूरी है देवताओं का, पितरों का तर्पण करना। यानी बालकपन से अगर आपने ये संस्कार नहीं दिए हैं तो नास्तिक हो जाएगा। बचपन से ही ये संस्कार देने हैं, देवताओं का, पितरों का तर्पण करना, ऋषियों का। आप ऐसी कथाएं सुनाएं, आप उनको ऐसे संस्कार दें जिससे इनके प्रति उनके मन में एक आदर की भावना हो। समिधा दान में उचा, अभी गुरु के यहां रह रहे हैं तो गुरु के यहां सारे अपने कार्य अपने आप करने हैं। ये आजकल नहीं हुआ करता है। आजकल क्या है कि माता पिता के साथ घर में रहता है तो बच्चे के कपड़े भी मां धोएगी, बच्चे के बर्तन भी मां धोएगी, बच्चे का हर कार्य मां करेगी। और जब तक बच्चा था तब तक तो उसकी लंगोटियां धोना, सब धोना वो जरूरी था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको इंडिपेंडेंट बनने दीजिए। आप जब तक उसको अपने कार्य स्वयं करने की शिक्षा नहीं देंगे, जब तक वो अपने कार्य स्वयं नहीं करेगा तब तक वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही बना रहेगा। मैंने देखा है ऐसा भी होता है कि ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी 18 साल उम्र तो उनकी लगभग हो गई है, और फिर भी यानी सरकार मानती है कि वो बालिग हो गए, उनमें इतनी अकल है कि वो मतदान कर सकते हैं, फिर भी उनके माता पिता छोड़ने जाएंगे। बच्चियों के माता पिता छोड़ने जाएं वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन जो लड़के हैं उनके भी माता पिता छोड़ने के लिए जाएंगे। अरे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनको भी उनके माता पिता छोड़ने जाएंगे, फिर आप कब उसको बड़ा होने देंगे? भाई, मत होने दीजिए बड़ा, काहे के लिए पढ़ा रहे हैं, क्यों व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं? तो देवता अभ्यर्चनम चैव समिधा दान में उचा, समिधा दान यानी नित्य प्रति उनको यज्ञ करना होता था, और उसमें जिस लकड़ी की जरूरत पड़ती थी वो लकड़ी वन से बीन के लानी पड़ती थी, जंगल में जाना, वहां से उस लकड़ी को बीन के लाना, और वो लकड़ी कैसी, किसी पेड़ से तोड़नी नहीं है। मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हूं इसलिए मुझे पता है इसके नियम क्या थे। वृक्ष के नीचे जाना है, आम है, पीपल है, बरगद है, छोंकर है, इस प्रकार के जो वृक्ष हुआ करते, गुलर है, इनकी लकड़ियों का प्रयोग हो सकता है, बबूल, नीम, इन सब की लकड़ियां नहीं उसमें जलाई जाती। तो इन वृक्षों के नीचे आप जाएंगे और जो लकड़ी टूट टूट के नीचे गिर गई है उसको आपको बीनना है। अगर कोई डाल सूखी हुई भी पेड़ में लगी है ना, तो उसको तोड़ने का निषेध था, उसको आप तोड़ के लकड़ी नहीं दे सकते हैं, समिधा इसको कहा जाता था। फिर भी कई बार ऐसा होता था कि कोई कुल्हाड़ी या कोई जिसको कहें कि काटने का दूसरा साधन, ये तो कभी किसी को दिया ही नहीं जाता था उसके लिए। तो कैसे, कई बार पत्थर फेंकते थे कि पत्थर लगा और कोई डाली टूट के गिर गई तो कहानी खत्म हो गई।
क्योंकि जब एकदम सूख जाती डाली तो उसकी पतली पतली जो समझदार के लिए लकड़ी चाहिए, निषेध इसका भी है, लेकिन इतना कभी कभी किया है। तो इस प्रकार से जो लकड़ी बीन के लाई जाती थी, देखिए ये उस काल की उपयोगिता थी, आज के समय की उपयोगिता कुछ और है। आप वो कार्य उसको सौंपिए, लेकिन कार्य करवाइए बच्चे से, उसको ये समझदारी उसके अंदर आनी चाहिए कि वो जवाबदार है, उसको नित्य प्रति ये काम करना है। कोई भी कार्य आप उसको सौंपे, पर नित्य प्रति जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो, जो उसकी जवाबदारी, ऐसा कार्य उसको सौंपा जाना चाहिए। वर्जयन मधुमांसम चा गंधम माल्यम रसान स्त्रिया, भाई मधु का सेवन, कुछ पीना पिलाने वाला, मांस का सेवन, गंध का सेवन, माला, गंध यानी सुगंधी परफ्यूम वगैरह, माल्यम बड़ा माला वाला पहन के श्रृंगार होता है, व्यक्ति ज्यादा सुंदर दिखने के लिए इन सब चीजों को धारण करता है, और स्त्रियों हमेशा फोटो देखते रहना, वीडियो देखना, भाई इन सब चीजों का निषेध किया गया है। सुक्तानी यानी सर्वाणी प्राणी नाम चैव हिंसनम्, और जो भी प्राणियां हैं उनकी हिंसा नहीं करनी, ये वर्जित होता था। ये भी एक नियम है उसके अंदर कि अगर कुत्ता बैठा है तो उसको लात भी आप नहीं मार सकते हैं और कुत्ते को आप पत्थर भी नहीं मारेंगे। ये अगर आपका उपनयन संस्कार हो रहा है, सारे नियमों को पढ़ा जाए तो ये भी उसमें नियम है। यानी आप किसी भी प्राणी को, सामान्यतः हर जगह जो आपके आगे पीछे मिलेगा वो प्राणी कुत्ता ही है, तो आप उसके साथ, भाई गाय को तो माता कह के पूज लिया जाता है, लेकिन कुत्ते को कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे पत्थर मार दिया करते हैं, उसका भी निषेध किया, किन्हीं भी प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे। अभ्यंगम, सुगंधित तेल लिया, उसकी मालिश हो रही है, क्रीम सब, उसका निषेध है। आंख में काजल लगाया, कजरारी आंखें बनाई लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, इन सब चीजों का भी निषेध। चाक्षु रूपान छत्र धारणम, पैर में खड़ाऊं पहन सकते हैं, जूते नहीं, छत्र धारण नहीं कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ नृत्य गीत वाद्य, इन सब का निषेध था ब्रह्मचारियों के लिए। द्यूतम, जुआ नहीं खेल सकते हैं। जनवादम, जहां लोग बाग गोष्ठी कर रहे हो, लोगों की निंदा चल रही हो, वहां नहीं बैठना है। परिवादम, जहां बहस हो रही हो, बहस में नहीं पढ़ना है, विद्यार्थी को अपनी विद्या से मतलब है। अनृतम, झूठ नहीं बोलना है। स्त्रीणाम प्रेक्षणम लंभम उपघातम परश्चिजा, स्त्रियों को देखना, उनका स्पर्श करना, और जो भी अन्य प्रकार की भावनाएं हैं, किसी का बुरा कर देना, इन सब चीजों का निषेध था। ध्यान दीजिएगा, आज आप कहते हैं कि समाज में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, भाई बालकों को आप संस्कार कहां दे रहे हैं? आप बालकों को संस्कार मत दीजिए और फिर कहिए कि घटनाएं नहीं होनी चाहिए, निर्भया कांड हो गया, ये कांड हो गया। अरे भाई, जब वो अपने मोबाइल में इसी प्रकार के सारी चीजें देखेगा, इसी प्रकार के सारे कार्यों के बारे में हमेशा सोचता रहेगा, तो जहां उसको एक अवसर मिलेगा वो इसी प्रकार के कार्य करेगा। किसी गुरु को उसने ये वचन दिया है? कभी उसके माता पिता ने उससे ये वचन लिया है, अपने सिर पे हाथ रखवा के कसम खाई है कि बेटा जब तू घर से बाहर निकलेगा तो किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को इस नजर से नहीं देखेगा? आपने संस्कार नहीं दिए। बेसिक तो मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति प्राणियों के रूप में उसने जन्म लिया है, उपनयन संस्कार उसका नहीं हुआ है, और फिर भी अगर आपने उसको उच्च विद्या दे दी है, अगर उसको जो संस्कार मिलने चाहिए वो संस्कार के बिना आपने उसको उच्च विद्या दे दी है, इससे वो कोई ऊंचा नहीं बन जाएगा, इससे वो कोई श्रेष्ठ नहीं बन जाएगा। यहां इस चीज को समझना पड़ेगा। मनुस्मृति जो कहती है, वो अगर आपको समाज कल्याण की बातों का विचार करना है, तो आज भी
नहीं गुरुकुल है, नहीं उपनयन संस्कार करवाइए, लेकिन उन शर्तों का पालन करवाइए, वो वचन अपने बच्चों के पास से लीजिए। हम सभी भारतवासी हैं, सभी भारतवासी हमारे भाई बहन हैं। ये प्रतिज्ञा स्कूल में करने से वो प्रतिज्ञा रह ही नहीं गई है, रोज बोलने से वो प्रतिज्ञा का भाव ही नहीं उसके अंदर रहता है। एक बार प्रतिज्ञा करवाई जाती है और नित्य प्रति जो है ना उसका अनुशीलन और पालन करवाया जाता है। अगर एक बार किसी की तरफ गलत नजर से देखा है तो तुरंत ही उसके लिए उसको नियम है, अभी आएगा कि उसको किस प्रकार के और कौन से व्रत करने हैं। शारीरिक दंड नहीं, उसको स्वयं को चलिए 11 माला गायत्री की करनी है, आपको इस प्रकार से आज उपवास करना है। किसी को मारने पीटने से नहीं होता, इसका तो कहीं विधान ही नहीं है, मारपीट का कहीं विधान नहीं है। यहां तो माता पिता क्या कहेंगे, ये किया नहीं किया है, लिया जूता और पिता लग गया बेटे के ऊपर, इससे संस्कारों का सिंचन नहीं हो सकता है। आपको उसको सिखाना है, आपको उसके पास से कसम लेनी है, आपको उसको सही मार्ग पे चलने के लिए, अगर आपका बेटा घर से निकलने से पहले शीशे के सामने 10 बार खड़ा होता है और 15 बार वो अपने चेहरे को देखता है और फिर वो सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग कर रहा है, तो आपको मान लेना चाहिए कि वो ये चाहता है कि उसको लोग देखें, और उसको लोग देखें तो लोग उससे प्रभावित हों, और लोग उससे अगर प्रभावित हों तो उसकी भावनाएं उतनी श्रेष्ठ नहीं हो सकती हैं जो श्रेष्ठता उसकी भावनाओं में एक विद्यार्थी के रूप में होनी चाहिए। देखिए बड़े होने के बाद तो आपको सब कुछ करना है। स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा से यह कहा था जब गुरुकुल से पढ़ के बाहर निकले, आप कभी पढ़िए पूर्वपथ, एक रचना है हिंदी की साहित्यकार की, तो उसमें स्वयं श्री कृष्ण ये कहते हैं कि भैया अब हम स्नातक हो गए हैं, अब हमें घर से निकलने से पहले तैयार होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहां से कौन लड़की वाला आ जाए हमें देखने के लिए, ये होना चाहिए। लेकिन स्नातक होने के बाद विद्यार्थी काल में अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये योग्य नहीं है, यहां इन सब चीजों का निषेध किया गया। आगे कहते हैं एकः शयित सर्वत्र नरेता स्कंदयित क्वचित, हमेशा ऐसे ब्रह्मचारी को अकेला सोना चाहिए, कभी भी अपने वीर्य का स्खलन नहीं करना चाहिए, कामाद ही स्कंदयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मना, अगर काम भावना के साथ काम का विचार करके किसी स्त्री का विचार करके या किसी व्यक्ति का विचार करके अगर आप अपने रेतस का स्खलन करते हैं तो इससे आपका व्रत भंग होता है। लेकिन पुरुषों के बारे में तो यह देखा जाता है कि जब पौरुषत्व आएगा, जब अंदर वीर्य जमा होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में स्वतः स्खलित हो जाता है, तो उसके लिए कहते हैं स्वप्ने शिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजा सुक्रम अकामता, जिसने किसी स्त्री का विचार नहीं किया और फिर भी रात्रि में जिसको आप स्वप्न दोष कहते हैं इस प्रकार से किसी का वीर स्खलन हो गया है, स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा त्रिपुनर मामी त्रिचम जपित, तो भैया स्नान करके सूर्य देव की उपासना करके आपको 3 माला गायत्री का जाप करना चाहिए, यानी अपनी इंद्रियों पे और कठिन निग्रह करना है, हमें अपनी भावनाओं को और शुद्ध करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्वप्न में जब भी स्खलन होगा उससे पहले आप कुछ ना कुछ ऐसा दृश्य स्वप्न में देखेंगे, और आपके मन में अगर वो दृश्य आया है, अगर उस प्रकार का स्वप्न आपने देखा है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमारा मानसिक विकार ही रहा होगा, और उस मानसिक विकार की शुद्धि के लिए इस प्रकार के नियमों का विधान किया गया है। उदकुंभम सुमनसो गोसकृन मृतिका कुशान, ये जितनी सामग्रियां हैं, घड़ा है, पानी है, मिट्टी है, कुश है, जो जिस जिन चीजों की जरूरत पड़ती है नित्य प्रति जो चाहिए वो उतना ही लाना चाहिए। ये नहीं क्या एक दिन गए और पूरा कुश का
डंठल लाके काट के रख दिया, एक दिन गए पूरा पानी भर के रख दिया दो चार दिन के लिए, नहीं वो सब निषेध था। जितना नित्य प्रति चाहिए वो सारी चीजें ताजी ताजी लानी चाहिए, और भिक्षावृत्ति के लिए व्यक्ति को जाना चाहिए, गुरु के लिए भिक्षा मांग के लेकर के आनी चाहिए। अब भिक्षा किसके यहां मांगने जाएंगे? तो वेद यज्ञ अहिना नाम, जिनके यहां वेद यज्ञ आदि होते हो उन्हीं के यहां भिक्षा मांगने जाइए। प्रशस्ता नाम स्वकर्मशु, जिनका नाम समाज में हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसके बारे में लोग श्रेष्ठ बातें करते हैं। ब्रह्मचारी को इस प्रकार के श्रेष्ठ घरों से भिक्षा मांगने जाना चाहिए। गुरु कुले न भिक्षेत, गुरु का परिवार जहां का हो, हमारे गुरु जी इस शहर के हैं, उनका घर है, चलो उन्हीं के यहां चले जाए मांगने, उसका निषेध है। न ज्ञाति कुल बंधुसु, अपने मामा मौसा बुआ फूफा अपने ज्ञाति बांधवों के यहां भी विद्यार्थी को भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। अलाभे त्वन्य गेहानाम पूर्वम पूर्वम विवर्जयेत। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी भिक्षा के लिए निकला लेकिन किसी गांव में पहुंचा, उस गांव में कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते उनको तो ये लगता कि ये तो फालतू का काम है, ये हम क्यों दें, जहां पढ़ते हो गुरुकुल की जवाबदारी है। देखिए अगर आप अपने जाति बांधवों के यहां मांगने जाएंगे तो आप में कोई कौशल्य का विकास नहीं होने वाला। ये भिक्षा वृत्ति भी आपके अंदर कौशल्य का विकास करती कि आपको ये सीखना पड़े कि आप कहां गए किस प्रकार से। अगर आप ब्राह्मण बटु हैं तो आपको अलग ढंग से बोलना, आप क्षत्रिय बटु हैं आपको अलग ढंग से बोलना, ये सारे नियम हुआ करते थे और इससे आपकी कौशल्य का प्रदर्शन होता था, आपको जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती थी। आज तो माँ बाप कहते हैं कि बस बेटे की जो जवाबदारी है, क्या चाहिए बेटा बोलो, ये चाहिए अरे ये लो, हर चीज आप उसको इस तरीके से उपलब्ध करवाते हैं कि वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है। चलिए इस भिक्षा वृत्ति में बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि इसकी कोई उपयोगिता है या नहीं। धन्यवाद, कमेंट करिए और बताइए अगर बालकों के लिए ये संस्कार उपयोगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उस समय गुरुकुल होता था ऐसे ही गुरुकुल में आप भेजिए, लेकिन घर पे भी अगर आप ये संस्कार उसको देते हैं तो उसके लिए कितना उपयोगी है, ये अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।